हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल करेंट स्टडी सेंटर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन लेके आ गया हूँ। फ्रेंड्स, फाइनली आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ, इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप लोग रेलवे NTPC की जो नई भर्ती आई हुई है, न्यू रिक्रूटमेंट आई हुई है, उसका आप लोग फॉर्म अप्लाई ऑनलाइन कैसे कीजिएगा अपने अपने मोबाइल से ही। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, बिना स्किप किए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसे ही रेलवे भर्ती से कोई भी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। क्योंकि मैं खुद रेलवे में सेलेक्टेड क्वालिफाइड हूँ, मेरे पास एक्सपीरियंस आ चुका है रेलवे का। तो जो भी मैं आप लोग बताने का कोशिश करता हूँ न्यूज रेलवे के बारे में, तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर बताता हूँ आप लोगों को कैसे रेलवे में क्या कुछ होता है। और आप लोगों का जो कर रहे हैं फॉर्म, तो आप लोगों के मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अगर आप लोग कैटेगरी से हैं, अगर SC है, ST है, EWS है, ठीक है, OBC NCL है, ठीक है, तो आप लोग अगर, तो आप लोग के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट कास्ट सर्टिफिकेट लगती है। और सेंट्रल गवर्नमेंट कास्ट सर्टिफिकेट कैसे बनती है, इसके लिए कंप्लीट अपने मैं चैनल पर दो दो वीडियो बना के रखा हूँ। अभी आई बटन पर लिंक आ रहा होगा, तो आप लोग जाकर क्लिक करके देख सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट कास्ट सर्टिफिकेट कैसे बनती है, ठीक है। चलिए वीडियो आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप लोग का NTPC का फॉर्म अप्लाई करने के लिए ना, आप लोगों को इस वेबसाइट पर आना पड़ेगा। आज देखिए, रेलवे की अब न्यू वेबसाइट लॉन्च हो चुकी है, जिसमें आप लोग एक भी कोई रेलवे का फॉर्म भरिएगा, उसी ID और पासवर्ड से आप लोग रेलवे के कोई भी फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। बार बार रजिस्ट्रेशन, बार बार सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, जैसे SSC में होता है। एक बार अपना ID पासवर्ड डाल के लॉगिन कीजिए और कोई भी फॉर्म भरिए। वैसे ही अब रेलवे में भी हो चुका है, एक बार अपना ID पासवर्ड डाल के लॉगिन कीजिए और जो भी रेलवे का फॉर्म आएगा, जो भी नोटिफिकेशन आएगी, उसकी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं आप लोग, अगर आप लोग एलिजिबल है तो, ठीक है। तो चलिए, आप लोग इस वेबसाइट पर आ जाइएगा। इस वेबसाइट का लिंक आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी प्रोवाइड करा दूंगा आप लोगों को। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर ज्वाइन करके आप लोग और लेके आप लोग इस लिंक पे आ सकते हैं। इस लिंक पे आने के बाद आप लोग को यहाँ पे क्लिक करना है। देखिए, आप लोग यहाँ पे एक रेड कलर में लिखा है अप्लाई का ऑप्शन, ठीक है, अप्लाई का ऑप्शन पे क्लिक करना है। आप लोग अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ पे दो ऑप्शन शो होगा। देखिए, दो ऑप्शन शो हो रहा है, एक में आ रहा है क्रिएट एन अकाउंट और एक में आ रहा है ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। तो देखिए, जिनके पास, मैं आप लोग बता दूँ, रेलवे में अभी तक 2024 में कोई भी फॉर्म भरे हो, चाहे वो ALP भरे हो, चाहे वो टेक्नीशियन भरे हो, ठीक है, चाहे वो पैरामेडिकल कैटेगरी भरे हो, चाहे वो RPF भरे हो, ठीक है, कोई भी आप लोग का फॉर्म भरे है ना, तो उसी ID पासवर्ड का अगर आप लोग को जरूरत लगेगा, ठीक है, क्योंकि अब दोबारा आप अकाउंट नहीं बना सकते अगर आप लोग आधार वेरीफाइड कर लिए होंगे। तो आधार वेरीफाइड अगर नहीं किए होंगे, इन कोई भी भर्ती फॉर्म भरे हैं और आधार वेरीफाइड नहीं किए हैं, तो आप लोग अपना नया अकाउंट बना सकते हैं, बट उसमें भी आप लोग को ईमेल ID और मोबाइल नंबर दूसरा देना पड़ेगा। नहीं तो अगर आप लोगों ने फॉर्म भर लिया है, तो आप लोग को वही ID पासवर्ड डालना पड़ेगा, तब आप लोगों के लिए ये दूसरा ऑप्शन रहेगा। और जो बच्चे न्यू हैं, अभी पहली बार फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं 2024 में, तो उन सभी बच्चों के लिए पहला ऑप्शन क्रिएट एन अकाउंट। तो सबसे पहले चलिए मैं आप लोग क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक का क्या क्या प्रोसेस है, ठीक है। यहाँ पे एक पॉपअप आएगा खुल के, उसको छोड़ दिया जाएगा, आप लोगों का काम के लिए नहीं है, ठीक है। देखिए, जब उस पर क्लिक कीजिएगा ना आप लोग, तो आप लोग के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा, ठीक है। इसमें आप लोगों को नेशनलिटी सेलेक्ट करनी रहेगी, नेशनलिटी में आप लोग इंडिया सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। इंडिया सेलेक्ट करने के बाद से आप लोग यहाँ पे पर्सनल नेम डालिएगा, जो कि आप लोग का फुल नेम रहेगा वो डालना है, ठीक है। जैसे मेरा फुल नेम आप लोग का मैं डाल दे रहा हूँ, ठीक है, कोई भी एक सब्जेक्ट आप अपने अकॉर्डिंग डाल दीजिएगा। उसके बाद से आप लोग यहाँ पर क्या रहेगा ना, यहाँ पे री टाइप फुल नेम का ऑप्शन आ रहा है, री टाइपिंग फुल नेम में आप सब जो फिर से वही आप लोग अपना नाम डाल दीजिएगा, ठीक है। देखिए, अब आगे नेक्स्ट कर दीजिएगा, नेक्स्ट कर देंगे आप लोग, ठीक है। देखिए, दोनों में फुल नेम डाला गया, दोनों में सेम सेम है, इसलिए ग्रीन टिक लग गया यहाँ पे। देखिए, तो यहाँ पे भी आप लोगों को फुल नेम लिखना है, यहाँ पे भी रिटाइप फुल नेम लिखना है। उसके बाद अगर आप लोगों ने कभी अपना अपना नेम चेंज किया है, तो एस कीजिएगा, चेंज वाले आपको फिल करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप लोगों ने नहीं किया तो नो पे सेलेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद से आप लोग अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। जो भी आप लोग का डेट ऑफ बर्थ होगा, आप लोग अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद से यहाँ पर उसी डेट ऑफ बर्थ को टाइप कर देना है, जो भी आप लोग का डेट ऑफ बर्थ होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर कोई भी डेट ऑफ बर्थ होगा, आप लोग टाइप कर दीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद से आप लोग का क्या करना है, मैं बता दे रहा हूँ, देखिए। उसके बाद से आप लोग का यहाँ पे इसमें जेंडर सेलेक्ट करना है, जेंडर आप लोग का जो भी होगा, जैसे मेल फीमेल जो भी आप लोग हैं सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद से यहाँ पे रीटाइप जेंडर सेलेक्ट कीजिएगा, मेल और फीमेल। उसके बाद से आप लोग यहाँ पर अपने फादर का नेम डालिएगा, ठीक है, जो भी आप लोग का फादर का नेम होगा, यहाँ पे फादर का नेम डालिएगा, यहाँ पे फिर से दोबारा फादर का नेम डालिएगा, फिर यहाँ पे मदर का नेम डालिएगा, फिर यहाँ पे दोबारा मदर का नेम डालिएगा, ठीक है। उसके बाद से देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग के यहाँ पे एक चीज़ मैं बताने वाला हूँ फ्रेंड्स, अगर आप लोग इस चीज़ को गलती कर दीजिएगा, तो आप लोग फिर अभी रेलवे में अभी तक ऐसा कोई भी अपडेट नहीं जिससे आप लोग उस चीज़ कर पाए, ठीक है। और ये मेरे साथ हो चुका है, जिस कारण से मैं आप लोग को वार्निंग दे रहा हूँ, ठीक है।
आप लोग के ना यहाँ पे जो आधार वेरीफाइड का ये ऑप्शन है ना, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। आप लोग के पास आधार वेरीफाइड, अगर आधार कार्ड है तो आप आधार वेरीफाइड कर दीजिए, नहीं है तो आप लोग कर सकते हैं। आधार कार्ड अगर नहीं देना चाहते आप आई डू नॉट है क्लिक करके, और आप लोग जो भी आप देना चाहते हो आईडी, अपना आईडी दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए आईडी प्रूफ में सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आधार कार्ड नहीं है तो ड्राइविंग लाइसेंस से भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, पासपोर्ट से भी कर सकते हैं, पैन कार्ड से कर सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड से कर सकते हैं, इम्प्लॉयर आईडी से कर सकते हैं, स्कूल यूनिवर्सिटी आईडी से कर सकते हैं। अगर आधार कार्ड है तो हम तो यही कहेंगे आप लोग आधार कार्ड का ऑप्शन चूज कीजिए, ठीक है। कि आधार कार्ड का ऑप्शन जैसे ही चूज कीजिएगा तो आप लोग यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डालिएगा। अगर आधार कार्ड नंबर डाल, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर एक बार ये गलती हो गया तो आप लोग इसको सुधार नहीं कर पाइएगा, जिस कारण से आप लोग यहाँ पे जो अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं ये चीज़ अभी आप लोग जो जो फिल कर रहे हैं, ये बहुत अच्छे से ध्यान से फिल कीजिएगा। कोई भी एक भी चीज़ गलती हो गई इसको आप लोग, रेलवे में अभी तक ऐसा कोई भी अपडेट नहीं जिसको आप लोग मॉडिफिकेशन भी करके पैसे भी दे करके सुधार कर ले, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है अभी तक रेलवे में। आप लोग सुधार वही चीज़ कर पाइएगा जो फॉर्म अप्लाई करिएगा, जब लॉगिन करके उस टाइम पे जब अप्लाई करने के टाइम पे जो भी कुछ आएगा उसको आप लोग सुधार कर सकते हैं, ठीक है। तो अप्लाई अभी तक के अकाउंट कुछ नहीं है कि सुधार कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो जो भी इसमें फिल कीजिएगा आप लोग अपने अकॉर्डिंग सही से फिल कीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद आधार कार्ड नंबर डाल के यहाँ पर आधार वेरीफाइड कर लीजिएगा। आधार कार्ड वेरीफाइड करने के लिए इस पर मोबाइल नंबर आप लोग का यहाँ पे डालिएगा, उसके बाद यूजिंग वेरीफाई पर करके वेरीफाई कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर ईमेल एड्रेस डालिएगा। ईमेल एड्रेस पर डालने के बाद यहाँ पर गेट जनरेट ओटीपी पर क्लिक कीजिएगा, आपके ईमेल आईडी पे एक ओटीपी भेजा जाएगा, उसको यहाँ पर फिल कीजिएगा, वेरीफाइड हो जाएगा। उसके बाद से मोबाइल नंबर डालिएगा, गेट जनरेट ओटीपी पर क्लिक कीजिएगा, मोबाइल नंबर पर आपका एक ओटीपी आएगा, उसको यहाँ पर फिल कीजिएगा, उसके पास हो जाएगा। उसके पास एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप लोग बनाना है। पासवर्ड कैसे बनाना है आप लोग का, उसमें ऐसा बनाना है कोई न्यूमेरिक भी हो, कोई स्पेशल कैरेक्टर भी हो, और कैपिटल कैरेक्टर स्मॉल कैरेक्टर दोनों सब कुछ हो, ठीक है, कंबाइंड बनाना है। जैसे कि मान लीजिए आप लोग का अगर नाम सोहन है तो सोहन का एस बड़ा लिख दीजिएगा, SOHN सोहन, और उसके बाद से एट द रेट जो भी आप लोग का डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं, या फिर यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, यहाँ पे अपना कोई भी नंबर डाल सकते हैं, ऐसा चीज़ चाहे आप। लेकिन एक चीज़ में बड़ा लेटर होना चाहिए, बाकी छोटा लेटर, एक स्पेशल कैरेक्टर और एक नंबर होना चाहिए, और ऐसे में आप लोग कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद से आप लोग यहाँ पर कैप्चर फिल करके आई प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक कीजिएगा, आप लोग का अकाउंट बन जाएगा। उसके बाद से सिंपली आप लोग यहाँ पर आ जाइएगा, डायरेक्टली यहाँ पर रिडायरेक्ट कर दिया जाइएगा वेबसाइट पे। उसके बाद से फिर दोबारा से आप लोग यहाँ पे क्लिक करके ऑलरेडी हैव अकाउंट पे क्लिक करना है, और उसके बाद ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पे क्लिक करके आप लोग के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस होगा ओपन, और यहाँ पे आप लोग का पासवर्ड और मोबाइल नंबर डालना रहेगा। देखिए जो आप लोगों ने मोबाइल नंबर रजिस्टर किया था मोबाइल नंबर यहाँ पे डालिएगा, या फिर मोबाइल नंबर नहीं तो ईमेल आईडी डालिएगा, और पासवर्ड बनाए थे आप लोग पासवर्ड डालिएगा आप लोग, और उसके बाद इस कैप्चर कोड को डाल करके लॉगिन कर दीजिएगा। चलिए मैं लॉगिन करके आगे आप लोग को दिखाता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे लॉगिन कर दिया हूँ, ठीक है। और लॉगिन करने के बाद आप लोग के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा, ठीक है। इसमें आप लोग को बताया गया है सारा कुछ, यही देख कौन कौन सी नोटिफिकेशन सभी आई हुई है, क्या क्या कैसा कुछ है। जैसे देखिए जनरल इंस्ट्रक्शन का एक ऑप्शन दिखा रहा है, एक ऑनलाइन एप्लीकेशन का इंस्ट्रक्शन दिखा रहा है, एप्लीकेशन हिस्ट्री का ऑप्शन दिखा रहा है। इसमें आप लोग का दिखाएगा कौन कौन न्यू वैकेंसी आई है। चलिए यहाँ पर मैं क्लिक करके आप लोग को दिखा दे रहा कौन कौन सी न्यू वैकेंसी चल रही है अप्लाई होने के लिए। तो देखिए यहाँ पे दो वैकेंसी आप लोग अभी देखेंगे देखने को मिल जा रही है अप्लाई करने के लिए, एक एनटीपीसी की मिल जा रही है और एक आप लोग की यहाँ पे मिल जा रही है पैरामेडिकल कैटेगरी की, ठीक है। दो अप्लाई करने का मिल जा रहा है। उसके बाद एप्लीकेशन हिस्ट्री में क्लिक कीजिएगा आप लोग, तो एप्लीकेशन हिस्ट्री में दिखा देगा कौन कौन सा आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई कर चुका है अभी तक, ठीक है। और इसमें जितने भी रेलवे की भर्ती आएगी, चाहे अगर अगले साल आ जाए, कोई भी आए, आप लोग यहाँ से अपना अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ का आप लोग एक बार ध्यान रखिएगा। तो देखिए आप लोगों को अप्लाई करने के लिए, जैसे एनटीपीसी का अप्लाई करना है, तो आप लोग यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन के ऑप्शन में आइएगा क्लिक करके, और ऑनलाइन एप्लीकेशन के ऑप्शन में आने के बाद से आप लोग यहाँ पे आरआरबी एनटीपीसी का फर्स्ट नंबर पर मिल जाएगा, CEN 05 पब्लिक 2024 नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी एनटीपीसी ग्रेजुएट पोस्ट के लिए, ठीक है। यहाँ से आप लोग अपना देखिए इसका कहा है कि यहाँ से आप लोग का मिल जाएगा, कब से 14 तारीख से सितंबर से फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट है, लास्ट डेट 13 अक्टूबर तक रखा गया है, ठीक है। और यहाँ से आप लोग ना जोन चेंज कर सेलेक्ट कर सकते हैं, आप लोग का जो भी जोन होगा, जो भी जोन सेलेक्ट करना चाहे आप लोग जोन अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं मान लीजिए भुवनेश्वर सेलेक्ट कर लेना, तो भुवनेश्वर सेलेक्ट करके और यहाँ पर आप लोग को एक ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा, आई एम नॉट करेंटली डिबार बाई एनी आरआरबी आरआरसी, किसी भी आरआरबी और आरआरसी से मैं डिबार नहीं किया गया है, उसका आप लोग को डिक्लेरेशन देना होगा यहाँ पे। तो मैं डिक्लेरेशन दे रहा हूँ और नेक्स्ट पर क्लिक कर दे रहा हूँ। देखिए जैसे ही मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा, मैंने यहाँ पर आधार वेरीफाइड कर लिया था उस टाइम पर अकाउंट बनाने के ही टाइम पर, आधार वेरीफाइड देखिए यहाँ पर लिख दे रहा है ऑलरेडी आधार वेरीफाइड, ठीक है। आधार इज़ वेरीफाइड विथ आधार, देखिए अकाउंट इज़ वेरीफाइड विथ आधार,
आधार से अकाउंट ही वेरीफाई हो चुका है, ठीक है। बाकी ये सारा कुछ आप लोग को देखने को मिल जाएगा, जैसे CEN 05/2024 नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी भुवनेश्वर जोन से मैं अप्लाई कर रहा हूँ, तो भुवनेश्वर जोन का मिल जाएगा। और उसके बाद से आप लोग का देखिए टोटल आप लोग का फॉर्म अप्लाई जो हो रहा है ना, ये मैं आप लोग बता देता हूँ कितने चरणों में होगा आप लोग का फॉर्म। तो फर्स्ट में पर्सनल डिटेल्स डालिएगा, अदर डिटेल्स सेकेंड में, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन थर्ड में, फोटो सिग्नेचर अपलोड करने का आएगा फोर्थ में, और फिफ्थ में आप लोग का प्रीफ्रेंस आप लोग को मिल जाएगा, प्रीव्यू मिल जाएगा, ठीक है। चलिए मैं आगे आप लोग को दिखा देता हूँ पर्सनल डिटेल्स में क्या क्या नीचे नीचे करके आप लोग को दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। जाएगा यहाँ पे आप लोग का सेलेक्ट करने का नेशनलिटी सेलेक्ट कीजिएगा, आप लोग यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भी कुछ सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं रहेगा, आप लोग का ये सारा ऑलरेडी ऑटोमेटिक फिल करके आएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों का देख सकते हैं आप लोग सारा कुछ जब अकाउंट बनाए थे आप लोग उसी टाइम पे वाला सब कुछ ये फिल होगा, ब्लैंक होगा, इसमें आप लोग कुछ एडिट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों को उस टाइम बोला था कि आप लोग जो अपना अकाउंट जब क्रिएट कीजिएगा तो बिल्कुल सावधानी से क्रिएट कीजिएगा, क्योंकि एक बार जब गलती हो गई तो दोबारा आप उसको सुधार नहीं कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर कोई भी सुधार नहीं कर सकते चाहे, क्योंकि ये ब्लैंक है। उसके बाद नीचे मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, आप सेलेक्ट करना रहेगा आप लोग का शादी हुई है कि नहीं, मैरिड है कि अनमैरिड, सब क्लियर कर लीजिएगा, जैसे कि मान लीजिए अनमैरिड। उसके बाद से आप लोग का रिलीजन क्या है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन जो भी, बुद्ध फारसी आप लोग का है, क्रिश्चियन जो भी सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद से आप लोग का मदर टंग सेलेक्ट कर लेना है, हिंदी आप लोग का है जो भी है। उसके बाद से आप लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोग यहाँ पर ये चीज़ है जो ऑप्शन देखने को मिल जा रहा है, चूज एग्जामिनेशन लैंग्वेज का, ठीक है। चूज एग्जामिनेशन लैंग्वेज में आप लोग को सेलेक्ट करना है कि किस लैंग्वेज में आप लोग एग्जाम देना चाहते हैं, जिस लैंग्वेज में एग्जाम देना चाहते हैं उसी लैंग्वेज को सेलेक्ट कीजिएगा। जैसे अगर मान लीजिए आप लोग हिंदी सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो हिंदी में दीजिएगा, इंग्लिश सेलेक्ट करिएगा तो आप लोगों को केवल इंग्लिश मिलेगा, अगर हिंदी सेलेक्ट कीजिएगा तो हिंदी और इंग्लिश दोनों मिलेगा, ठीक है। तो जो भी आप लोग सेलेक्ट करना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद से यहाँ पे आप लोग का एक आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स मार्क डाल दीजिएगा, अगर आप लोग के पास कोई डिटेल्स आइडेंटिफिकेशन मार्क जैसे कट मार्क, तील उल, कोई भी जला कटा का निशान है अगर, तो उसको आप लोग कम्युनिटी डिटेल्स का ऑप्शन आता है। कम्युनिटी डिटेल्स में आप लोग का जो भी कम्युनिटी है आप लोग कम्युनिटी अपनी सेलेक्ट करनी रहेगी, जैसे ST OBC UR, अगर आप लोग UR सेलेक्ट कीजिएगा तो सारा ऑप्शन ब्लैंक हो जाएगा, अगर ST OBC सेलेक्ट कीजिएगा तो आप लोगों को सर्टिफिकेट नंबर मांगा जाएगा, जैसे मान लीजिए ST सेलेक्ट कर दे रहा हूँ। उसके बाद से ST का आप लोग पूछेगा कि कौन सा नेम ऑफ द ट्राइब, कौन सी ट्राइब है, तो ट्राइब जैसे गोंड है तो गोंड सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर डालना पड़ेगा, और उसके बाद से कौन अथॉरिटी इशू किया है, तो जो भी SDM DM फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट जो भी इशू किया है, मतलब आप लोग का सबसे निचला रैंक होता है नॉट बिलो रैंक ऑफ तहसील, ये वाला ऑप्शन से नीचे आप लोग का कोई भी ऑफिसर का सिग्नेचर नहीं चाहिए, तो जैसे मैं इसी को सेलेक्ट कर दे रहा हूँ। उसके बाद से किस स्टेट का आप लोग का ST सर्टिफिकेट है उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, उसके बाद से इशू डेट उसका क्या है उसको सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे यहाँ पे दाब दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद से आप लोग अगर पास लेना चाहते हैं जैसे कि ST SC को फ्री ट्रेवलिंग पास दे सकते हैं, जो भी एग्जाम सेंटर दिया जाएगा वहाँ तक के स्टेशन तक, और इसके घर के स्टेशन से लेकर के जो भी आप लोग यहाँ पर भी स्टेशन डालिएगा नेम, उस स्टेशन से लेकर के वहाँ तक आप लोग का एक ट्रेवलिंग पास दिया जाता है, यात्रा मुफ्त में कराई जाती है आप लोग को रेलवे तरफ से। आप लोग का केवल एग्जाम में नहीं होगा, एग्जाम में भी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी होगा, मेडिकल में भी होगा, जो भी स्टेट CBT 1 में भी होगा, CBT 2 में भी होगा, CBAT में कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट दिया जाएगा उस टाइम भी मिलेगा, टाइपिंग टेस्ट देने जाइएगा उस टाइम पर भी मिलेगा, पास आप लोग का हर टाइम दिया जाएगा, ठीक है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा, तो आप लोग इस पर क्लिक कीजिएगा पास लेने के लिए। और उसके बाद से नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जो भी आप लोग का होगा नियरेस्ट रेलवे स्टेशन डालिएगा, और उसके बाद से सर्टिफिकेट अपलोड करने पर क्लिक कीजिएगा, सर्टिफिकेट आप लोग यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा, और सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए आप लोगों को अपलोड सर्टिफिकेट पर क्लिक करना होगा, ठीक है। यहाँ पर अपलोड सर्टिफिकेट पर क्लिक करके आप लोग यहाँ से अपना सर्टिफिकेट जो भी होगा आप लोग का अपलोड कर लीजिए। चलिए मैं अपलोड करके और अपलोड करने के बाद से सेव कर दीजिएगा, मैं चलिए सेव करके दिखाता हूँ अपलोड करके। और इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप लोग कि यहाँ पे आप लोग का 500 KB से नीचे का रहना चाहिए और PDF फाइल में रहना चाहिए ओनली, और चलिए मैं सेव कर दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप लोग का दिखाएगा डॉक्यूमेंट अपडेट सक्सेसफुली हो गया, ठीक है। चलिए आगे मैं आप लोग को दिखाता हूँ, तो देखिए मैंने यहाँ पे आप सब कुछ फिल कर दिया हूँ, और आगे चलिए मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ। तो देखिए अगला ऑप्शन आ जाता है आप लोग का कि एड्रेस फिल करने का, पोस्टल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों आप लोग का क्लिक करना रहेगा। जो भी आप लोग का एड्रेस होगा आप लोग यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा, स्टेट आप लोग का जो भी स्टेट है जैसे उत्तर प्रदेश में रहता है उत्तर प्रदेश, उसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना रहेगा आप लोग का। उसके बाद से आप लोग का यहाँ पे एड्रेस लिखना रहेगा जो भी आप लोग का एड्रेस है, उसके बाद से सिटी का नेम, उसके बाद पिन कोड यहाँ पर लिख लीजिएगा। अगर आप लोग का एड्रेस दोनों सेम है तो दोनों सेम है इस पर क्लिक करिए, इस पर टिक कर दीजिएगा। अगर अलग अलग है जैसे अभी कहीं और रह रहे हैं, जो ओरिजिनल एड्रेस आप लोग का कहीं डॉक्यूमेंट पर है तो दोनों आप लोग चाहे तो सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उस केस में आप लोग यहाँ पर टिक पर क्लिक नहीं करना होगा, आप सेव कर देना है तो सेव क्लिक कर दीजिएगा, सेव हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्लिक,
जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे अगला ऑप्शन खुल जाएगा सेकेंड स्टेप। इसमें आप लोग का क्या करना रहेगा, नॉर्मल डिटेल सारा कुछ फिल करना रहेगा, जैसे कि आप लोग यू आर एक्स सर्विस मैन, अगर एक सर्विस मैन है तो यस नो पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद से पर्सन विद डिसेबिलिटी है, अगर डिसेबिलिटी है तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो पे क्लिक कीजिएगा। अगर उसके बाद से आप लोग का यहाँ पर स्क्राइब चाहिए आप लोग का, अगर लिखने आ रहे हो मतलब डिसेबिलिटी के कारण जिसको, तो इसको भी नो कर दीजिएगा आप लोग। उसके बाद ई बी सी सर्टिफिकेट होल्डर है कि आप ई बी सी सर्टिफिकेट होल्डर है, अगर आप ई बी सी सर्टिफिकेट होल्डर है तो क्लिक कीजिएगा, नहीं तो नो पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद से आप लोगों का पूछा जाएगा आर यू एन एम्प्लॉई, अगर आप लोग रेलवे में इम्प्लॉई है तो सेलेक्ट कीजिएगा यस, नहीं तो नो पे। उसके बाद से आप लोगों का ऑप्शन आ जाता है अगला, देखिए कि अकाउंट डिटेल्स जानने का। देखिए रेलवे फॉर्म भरते हैं आप लोग, उसका फीस रिफंड होता है, और उसका फीस रिफंड होता है तो आप लोग को उसके केस में आप लोग का अपना सारा कुछ बैंक का डिटेल्स देना होगा। बैंक का डिटेल्स में आप लोग अपना बैंक में जो भी नेम होगा वो डालना होगा, अकाउंट नंबर डालना होगा, अकाउंट नंबर दोबारा से फिर यहाँ पर डालना होगा, फिर आप लोग यहाँ पर आप लोग का आई एफ सी कोड डाल के उसके बाद यहाँ पर क्लिक करना होगा, ऑटोमेटिक ये वाला बैंक आ जाएगा अथी आ जाएगा और ये वाला आ जाएगा, दो चीज़ बस आप लोग का आई एफ सी कोड डाल के यहाँ पर क्लिक करना रहेगा, ठीक है। उसके बाद इस चीज़ को भी सेव कर दीजिए, ठीक है, सेव कर दीजिएगा, देखिए आप ग्रीन हो गया। और उसके बाद नेक्स्ट एजुकेशन का डिटेल्स का ऑप्शन खुल के आ जाएगा, देखिए यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस का डिटेल्स का ऑप्शन खुल के आ गया, ठीक है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस में आप सारा कुछ डालना रहेगा, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे अगर आप लोग का ये ऑटोमेटिक टेंथ आ जाएगा, और टेंथ पे आप लोग क्लिक करना रहेगा पेंसिल के आइकन पे, अगर आप लोग पहली बार भर रहे हैं तो सारा कुछ आएगा नॉर्मल के लिए, तो उसके बाद से आप लोग का यहाँ पे सारा कुछ भरना रहेगा। और देखिए यहाँ पे आप लोग का वो क्वालिफिकेशन ऑटोमेटिक रहेगा ये, उसके बाद स्टेट किस स्टेट से टेंथ क्लास पास की है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा बोर्ड है, किस रिजल्ट पास किस डेट में, ठीक है, ये सारा कुछ आएगा आप लोग का। उसके बाद आप लोग का टेंथ का रोल नंबर डालना है, और उसके बाद यहाँ पर टेंथ का सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। चलिए मैं अपलोड करके और अपडेट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, चलिए मैं सारा कुछ करके आप लोग को दिखाता हूँ। तो देखिए मैंने सेव कर दिया, और यहाँ पर अपडेट के ऑप्शन पर आप लोग अपडेट हुआ कि नहीं, देखिए अपडेट सक्सेसफुली हो गया, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन एक हो गया। उसके बाद से आप लोग का भी यहाँ पर अगला क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि बैचलर डिग्री पे ये फॉर्म निकल रहा है। उसके बाद से यहाँ पर डिसिप्लिन में सेलेक्ट करना होगा बैचलर डिग्री। उसके बाद सब स्ट्रीम आपका जो भी सब स्ट्रीम होगा उसको आप लोग सेलेक्ट कीजिएगा, जैसे ये आर्ट है तो मैं आर्ट सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद से आप लोग का जो भी स्टेट होगा स्टेट सेलेक्ट करना है, जैसे किस स्टेट से पास किए हैं आप लोग स्टेट सेलेक्ट करना रहेगा, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है तो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, ठीक है, मैं डिस्ट्रिक्ट भी सेलेक्ट करके दिखा दे रहा हूँ। उसके बाद से कॉलेज नेम, कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नेम डाल देना है, किस ठीक है किस किस कॉलेज से पास किए आप लोग। और उसके बाद से डेट ऑफ रिजल्ट डिक्लेरेशन, किस डेट पर रिजल्ट इनका डिक्लेरेशन हुआ था वो डिक्लेयर हुआ था, उस डेट को आप लोग को फिल करना रहेगा, ठीक है। उसके बाद से आप लोगों का यहाँ पे पूछा जाएगा कि क्या प्रोफिशियंसी, यहाँ पे मेन देखिए अगर आप लोग दो पोस्ट ऐसी है, जैसे जूनियर कलर एक सीनियर कलर कम टाइपिस्ट की पोस्ट है, एक जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की पोस्ट है, ठीक है, दो पोस्ट ऐसी है जिसके में टाइपिंग टेस्ट मांगी गई है, तो उस पोस्ट के लिए अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पर टाइपिंग का कुछ मांगा गया है, क्योंकि टाइपिंग आप लोग करना आना चाहिए, ठीक है, तो उस केस में आप लोग यहाँ पे यस करना है अगर आप लोग उस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो। अगर आप लोग उस दोनों पोस्ट के लिए जिस पोस्ट पे टाइपिंग टेस्ट रखा गया है उस पोस्ट के लिए अगर आप लोग अप्लाई नहीं करना चाहते हैं तो नो पे क्लिक कर दीजिएगा। चलिए मैं यस पे क्लिक करके दिखाता हूँ, इसमें प्रोफिशियंसी मांगा गया है हिंदी या इंग्लिश में। अगर आप लोग इंग्लिश में टाइपिंग कीजिएगा तो 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड होना चाहिए आप लोग का, अगर आप लोग हिंदी में टाइप कीजिएगा तो 30 वर्ड पर मिनट का आप लोग का टाइपिंग स्पीड होना चाहिए, ठीक है, तभी आप लोग टाइपिंग पास कीजिएगा उस पोस्ट के लिए और उस पोस्ट के लिए एलिजिबल होइएगा। और आप लोग का देखिए वैलिड मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, यहाँ पर भी सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, चलिए मैं अपलोड करके दिखा दे रहा हूँ आप लोग को, देखिए मैंने अपलोड कर दिया तो अपडेट सक्सेसफुली दिखा दिया, ठीक है। उसके बाद से इसको भी बैचलर डिग्री भी अपडेट हो गया, तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर दे रहा हूँ, ठीक है, सारा कुछ हो चुका है यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे ऐड का ऑप्शन बाद अगला ऑप्शन आ जाएगा, देखते हैं अगला क्या ऑप्शन आता है, बैचलर डिग्री और टेंथ दो को हो गया, ठीक है, अब इसमें और कुछ नहीं दिखाएगा आप लोग को, देख सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक, ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा, अगला आ जाएगा आप लोग का प्रीफ्रेंस सेलेक्ट करने के बाद से आप लोग का फोटो और सिग्नेचर डिटेल अपलोड करने का। यह देखिए यहाँ पे देखिए आप जो भी सर्टिफिकेट मैं अपलोड किया था एसटी अपलोड किया था, और ये देखिए स्टेटस में ग्रीन दिखा रहा है अपलोड हो गया है, यहाँ पर चाहे तो आप लोग क्लिक करके देख भी सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर आप लोग को अपलोड अपडेट करना होगा, ठीक है, फोटो सिग्नेचर आप लोग अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, ठीक है। फोटो का साइज में आप लोग का डिटेल्स थोड़ा बता देना चाहता हूँ, देखिए फोटो आप लोग का 30 से 70 KB के बीच का होना चाहिए, और फोटो अपलोड करने के लिए आप लोग का देखिए इस पर क्लिक कीजिएगा, फोटो अपलोड जो भी आप लोग अपने फोटो रखे होंगे वहाँ पे फोटो जाकर क्लिक कीजिएगा। अगर आप लोग फोटो एडिट करने में किसी बनाने में 30 से 70 KB जो भी KB मंगा है
प्रॉब्लम आ रही है ना, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसका भी आप लोग को लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप लोग जाकर अपना जो भी परफेक्ट साइज मंगाए उसका साइज बना सकते हैं आप लोग। उसके बाद आप लोग नीचे यहाँ पे सिग्नेचर सेलेक्ट कीजिए, सिग्नेचर भी आप लोग का देख सकते हैं यहाँ पे, मैं दिखा दे रहा हूँ कितना केवी का सिग्नेचर मांगा गया है। सिग्नेचर में आप लोग का 30 से 70 केवी का भी सिग्नेचर भी मांगा गया है, उसके लिए भी आप लोग यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा और कर दीजिएगा, उसके बाद सेव कर दीजिएगा। अगर इन सब चीज़ों में प्रॉब्लम आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और उसका भी उपाय बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है, कि कैसे आप लोग फोटो सिग्नेचर अपना सही से बना सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन आ जाता है आप लोग का पोस्ट प्रेफरेंस का, ठीक है। देखिए उसके बाद अगला आ गया प्रोसेस पोस्ट प्रेफरेंस का, तो मैंने भुवनेश्वर जोन से अप्लाई किया था, देखिए तो भुवनेश्वर आ गया, ठीक है। उसके बाद ये कौन कौन सी पोस्ट है भुवनेश्वर जोन में, ये देखिए टोटल की 4 तरह के पोस्ट है भुवनेश्वर जोन में। अब उसके अकॉर्डिंग आप लोग को फिल करना है, जिस पोस्ट को आप लोग ऊपर रखना चाहते हैं उस पोस्ट के प्लस आइकन पर पहले क्लिक कीजिएगा। जैसे मैं चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर को टॉप पर रखना चाहता हूँ, इसको क्लिक कर दिया। उसके बाद से मैं आप लोगों को बता दूँ ट्रेन मैनेजर को टॉप पर रखना चाहता हूँ, मैं ट्रेन मैनेजर को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद से आप लोग का जूनियर अकाउंट और सीनियर अकाउंट दो टाइप पोस्ट है, जो मैं सीनियर अकाउंट को टॉप पे रखना चाहता हूँ इसको टॉप पे रख लिया। उसके बाद से मैं जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट को टॉप पे रखना चाहता हूँ, टॉप पे रख लिया, ठीक है। ऐसे आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इन दो आप लोग को मैं बता देता हूँ, ठीक है। उसके बाद से आप लोग जो पोस्ट प्रेफरेंस सेलेक्ट कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, जैसे भी जो भी करना है आप लोग का। तो उसके बाद से आप लोग यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, आई हैव चेक एंड ऑर्डर प्रेफरेंस, इसको इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद से आप लोग का बताया गया है यहाँ पे, अगर आप लोगों को कोई लेसिक सर्जरी है तो इसको आप लोग क्लिक किया या नो करना है, ठीक है, तो टिक कर लीजिएगा। उसके बाद आई हैव नॉट, मेरे पास कोई भी लेसिक सर्जरी, तो मैं क्लिक कर दिया। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके जो भी आप लोग का प्लेस रहेगा वहाँ पे प्लेस डाल दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद से आप लोग अगला ऑप्शन आ जाएगा, सिग्नेचर वगैरह सब कुछ हो गया है और इस पर सेफ सेफ पर क्लिक कीजिएगा। सेफ क्लिक करने के बाद से प्रीव्यू एप्लीकेशन पर क्लिक कीजिएगा, आप लोग का प्रीव्यू एप्लीकेशन दिखा देगा। और प्रीव्यू एप्लीकेशन पर दिखाने के बाद से आप लोग यहाँ पे नीचे जब जाइएगा ना आप लोग, तो यहाँ पर देखिए आप लोग का एक ऑप्शन दिखाई देगा, आई हैव चेकड, सब कुछ चेक कर लिए। और चेक करने के बाद से फाइनल सबमिट पर क्लिक करना है, सबमिट पर क्लिक करने के लिए आप लोग यहाँ पर सबमिट कर देना है, ठीक है। चलिए मैं एक बार सारा कुछ फॉर्म को अपने से अच्छे से देख लेता हूँ। तो देखिए जैसे आप लोग का सारा कुछ देख लीजिएगा, सबमिट पर क्लिक कीजिएगा। सबमिट पर क्लिक करने के बाद से आप लोग को पेमेंट के लिए रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा पेमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे। और पेमेंट के लिए आप लोग चाहें तो वहाँ से जाकर UPI, फोन पे किसी भी चीज़ से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, ATM, क्रेडिट कार्ड, किसी भी चीज़ से आप लोग अपना जो भी है आप लोग का आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से मैं आप लोगों को कंप्लीट प्रोसेस बताया हूँ आप लोगों को, कि आप लोग अपना अपने कर कैसे कीजिएगा, जो भी आप लोग का फॉर्म है आप लोग का इसमें, तो आप लोग उसको कैसे आप लोग फिल कीजिएगा, मैं सारा कंप्लीट जानकारी आप लोगों को दे दूंगा इस वीडियो में, कि RRB NTPC का फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, क्या प्रोसेस है, क्या नहीं प्रोसेस है इसका। अगर आप लोग इसके बाद भी कोई डाउट रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं तुरंत आप लोग को रिप्लाई दूंगा। और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।